हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे खानजादा राजपूतों के आखिरी वंशज नहर खान के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। खानजादा नहर खान शहीद राजा हसन खां मेवाती के पुत्र थे। नहर खान की कोई ताजपोशी नहीं हुई थी क्योंकि पिता शहीद हसन खां मेवाती कानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे। नहर खान पानीपत के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी की तरफ से बाबर के खिलाफ लड़े थे, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर ने नहर खान को बंदी बना लिया था। लेकिन कानवा के युद्ध से पहले उसको सिर्फ इस लालच की वजह से रिहा कर दिया गया था ताकि उनके पिता शहीद हसन खां मेवाती कानवा के युद्ध में उनका साथ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शहीद राजा हसन खां मेवाती दोबारा भी उनके खिलाफ लड़े। 1527 में पिता की शहादत के कुछ समय पश्चात नहर खान ने भी तिजारत क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन बाबर ने दिल्ली और आसपास के अन्य उपनगरों को अपने वश में करने के पश्चात मेवात की ओर कूच किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपने पास सुरक्षा और लड़ने का कोई साधन ना देखकर नहर खान ने बाबर को अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ दिया था और बाबर से अपने जीवन यापन के लिए मेवात में कहीं भी कुछ लाख राजस्व देने की एवज में कुछ भूमि प्राप्त की थी। नहर खान से तिजारा को अपने अधीन करने के बाद बाबर ने अपने एक सामान्य अधिकारी तैमूर सुल्तान को तिजारा की सरकार प्रदान की थी। मुगल सम्राट बाबर ने नहर खान से उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ इसलिए छीना क्योंकि वो हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ रहे थे। उनके पिता कानवा के मैदान में उनके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे और खुद नहर खान भी बाबर के खिलाफ पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़े थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के नवाबों के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेवात की हर महत्वपूर्ण जानकारी सभी मेवाती भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।